हेलो आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनादर ऑसम गेम प्ले। मैं हूं आपका दोस्त ब्राह्मण विदांश। स्वागत करता हूं हमारे ग्रेटेस्ट चैनल ब्राह्मण विदांश गेमिंग में। तो की देन लेट्स स्टार्ट। वैसे यार काफ़ी दिन हो चुके हैं एस्फल्टेट गेम को खेलते हुए, तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया इस पर वीडियो डाली ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो इस पर ही वीडियो डाल देते हैं आज। तो के यार इसी के साथ चलते हैं हम हमारे पहले मिशन की ओर, गेट ड्रिफ्ट। तो कैसी लगी आप लोगों को ये ड्रिफ्ट रेसिंग? और अच्छी लगी है तो जाकर एक लाइक ठोक देना यार। तो किदन आ चुके हम हमारे नेक्स्ट मिशन की ओर। ओ तो अब हमें इस कार से ही चलना पड़ेगा। देख लेते हैं वैसे कोई अगर सस्ती सी कार होगी तो ट्राई करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई और अवेलेबल कार है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, एंड आई नो कि मैं हारने वाला हूँ। चलिए इसको थोड़ा अपग्रेड करते हैं, ट्राई करते हैं एक्चुअली। नॉकआउट तो सबको करता जा रहा हूँ, बट पता नहीं इसी जो हमारा तीसरी नंबर पे मैं टका रहूँगा कि नहीं लास्ट तक। आई डोंट थिंक सो कि मैं टका रह पाऊँगा।
तो क्या यार, आप देख ही सकते हो मैं हो गया एलिमिनेट। मुझे पता था कि ये कार अपग्रेडेड नहीं है और मेरे पास कोई अच्छी कार नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे एलिमिनेट तो होना ही था। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट मिशन की ओर। और ये रही मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार DS सुरवोल्ट, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। तो यार, आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फिर DC कार तेरी वन ऑफ द फेवरेट कार कैसे है। तो एक्चुअली ये मेरी पहले से नहीं थी, जब मैंने इसको ख़रीदा ऑब्वियसली बाय किया तो शुरुआत में कुछ ऐसी थी, नॉर्मल थी। बट मैंने जैसे ही इसमें एक दो अपग्रेड्स डाले तो ये काफ़ी ज़्यादा औसम लगी। इसकी हैंडलिंग प्लस नाइट्रो एंड इसकी स्पीड जो 300 किलोमीटर्स पर आउट ऑफ 250 आई थिंक सो से इंक्रीज़ हुई है, जो कि काफ़ी औसम है और काफ़ी बेस्ट हैंडलिंग इसकी है। आई नो कि मैं बहुत रैक करता हूँ बट काफ़ी अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वन ऑफ माई फेवरेट कार काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ओके, चलते हैं हमारे लास्ट मिशन की ओर। और उससे पहले देख लेते हैं ये लोटस वाली कार एक्चुअली मिशन। ओके, तो मुझे पहले ये कार लेनी होगी, तो लेंगे हम बाद में। एंड चलिए इसी मिशन की ओर चलते हैं। एंड ये देखिए फरारी, ऑब्वियसली आप देख ही सकते हो कि बिल्कुल एकदम कुछ भी अपग्रेड नहीं किया है एक्चुअली मैंने, और ये वैसी की वैसी रखी हुई है। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसमें जीतने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे एक नई फरारी ले लेनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली मैं इसमें हारने वाला हूँ। फाइन, देखते हैं। ये तो खेल मिशन आई मीन रेस करके ही पता चलेगा कि जीतते हैं या हारते हैं। चलिए चलते हैं। Thank you.
क्योंकि यार आप देख ही सकते हो हम काफ़ी लास्ट हैं, एट्थ नंबर पे हैं। मुझे ऑब्वियसली पहले से पता था कि हम हारने वाले हैं, क्योंकि मेरी ये कार ना तो अपग्रेडेड है और ना ही अच्छी है इन कंपैरिजन टू दोस कार्स जो कि रेस में थी। तो क्या यार, इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का ये गेम प्ले। तो फाइन देन, कैसा रहा आज का ये गेम प्ले? उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का ये गेम प्ले काफ़ी पसंद आया होगा। तो यार मिलते हैं एक और नेक्स्ट ऑसम गेम प्ले में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।